हेलो एवरीवन वन वेलकम टू सॉल्यूशंस फॉर बीएसडीएस डी एंट्रेंस टेस्ट आई 124, टन वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन फोर नाउ क्वेश्चन फोर इज सिंपल समन ट्रिगोमेट्री आपको बस इसको फॉर्मुल में तोड़ना है और हो जाएगा अरे चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा वो सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स वाला कंपाउंड एंगल्स वाला वो चैप्टर याद कीजिए वहाँ से हम लोग यूज करेंगे सो साइन a प्लस साइन इसका वैल्यू आता है टू साइन a प्लस 2 और कॉस ए माइनस बी बाई टू राइट अब यहां पे देखिए साइन ए प्लस बी बाई टू है राइट right? तो ए प्लस बी पाई बाई टू से लेस है अब आप लोग सोचिए जीरो से पाई बाई टू में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है राइट right? ऊपर जाता है सो so इसका मतलब हम ए प्लस बी का वैल्यू जितना ज़्यादा देंगे साइन वाला पोर्शन उतना बड़ा हो जाएगा राइट सो right? so इस पर्टिकुलर पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू तो इसका मतलब साइन पाई बाई टू बाई टू हो रहा है राइट इन टू और ये जो कॉस वाला पोर्शन है ये मैक्सिमम कब होता है ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस के अंदर जीरो आएगा कॉस के अंदर जीरो कब होगा जब ए इक्वल होगा राइट सो ए इक्वल हमको यहाँ से मिला राइट right? और ए प्लस का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई हमने यहाँ पे यूज़ किया साइन में तो इसका मतलब ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज हमने क्या लिए होपुली आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू हमने एज्यूव किया था मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस्ट के लिए हमको ए माइनस बी इक्वल टू जीरो करना पड़ा या फिर ए इक्वल टू बी तो इसे सॉल्व करके कर आएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू पाई बाई फोर राइट इसका मतलब इस एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू पे ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा बट आपको ये मैक्सिमम हो जाएगा किस पॉइंट पे वो नहीं पूछा गया है आपको पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो इक्वल टू बी पे तो कॉस वन हो गया राइट right? सो so, इसको छोड़ देते हैं और साइन का क्या हमने लिखा साइन पाई बाई टू बाई टू राइट तो पाई बाई फोर इसका मतलब टू इन टू वन बाई रूट टू तो ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन सी वन बाई रूट टू राइट बहुत ही आसान समझा आपको बस ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला को तोड़ना था और वहां पे चेक करना था हर एक पार्ट का मैक्सिमम मिनिमम ओके okay? ऐसे एग्जाम्स में कभी कभी जब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स देखते हैं हमारा दिमाग पहले ही जाता है में राइट right? आप डेरिवेटिव निकाल के चेक कीजिए वगैरह वगैरह वो इसमें नहीं करना था right? हर जगह आपको मैक्सिमम मिनिमम में फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है ठीक है आपको देकर समझना होगा right? ये एक सिंपल सम था होपफुली आपने इसको कंप्लीट नहीं किया कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया होगा और आपने इसको अच्छे से कंप्लीट किया है right? एक ही ऑप्शन था रूट टू वैसे तो आपको पता ही है साइन और कॉज रूट टू पर उसका फिक्स वैल्यू आता है राइट वन बाई रूट टू उसके बाद एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है तो अगर आपको कहीं पे भी ऑप्टिमाइज़ करना हो तो वहीं रूट टू पर ही वो मैक्म मिनिमम उसका चेक करते हैं अरेटिट right? तो ये आप जान के रखिएगा बिकॉज आगे आने वाले कभी भी एग्जाम्स में अगर आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहली बार चेक कीजिएगा पाई बाई फोर पे उसका साइन और कॉज का क्या वैल्यू आ रहा है अरेट right? तो हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में सम हो जाए और right? अगर आपको ऐसे और कोर्सेस के लिए कोई भी हेल्प चाहिए बिकॉज आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने, आने वाले हैं जादपुर यूनिवर्सिटी आने वाले प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है फिर आपका सीएमआई भी आने वाला है तो ऐसे कुछ भी एकेडमिक हेल्प अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा एंड दैट मीन सेड, आई एंड द वीडियो अगले वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे